हे गाइस, तो यार आज हम बात करने वाले हैं जैक डेली की काउंसलिंग 2021 में करनी कैसे है, और उसमें जो पॉइंट्स होते हैं फ्रीज फ्लोट क्या क्या होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, आपको कैसे कैसे आगे बढ़ना है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो जो भी चैनल पर नए होते हैं यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बोलने की तो बात ही नहीं है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले ये दो पेज अगर देख रहे हो, ये काउंसलिंग की शेड्यूल है हमारे पास, ठीक है, कि पहला राउंड कब होने वाला है। और ये पांच पॉइंट है ना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट कह रहा है कि जो डेट वाइज आपको जो भी है काउंसलिंग शेड्यूल, वो डेट और टाइम पे आ जाएगा। दूसरा पॉइंट है, जब भी आपका एडमिशन हो जाए तो आपको 1,12,000 रुपये फीस भरनी है। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट कह रहा है, जब भी मतलब आपका एडमिशन हो जाए तो आपके एडमिशन कमेटी आपके सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगी। ओके, वेरीफाई करने के बाद अगर सब कुछ सही है डॉक्यूमेंट, तो आपका एडमिशन प्रॉपर हो जाएगा और आपको कॉलेज में एंट्री मिल जाएगी। अगर डॉक्यूमेंट सही हुए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, आप आराम से लॉग इन कर लेंगे, आपका एडमिशन जो है प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। फोर्थ पॉइंट कह रहा है, अगर कुछ भी आपके प्रॉब्लम आई डॉक्यूमेंट में कोई भी छोटी मोटी कुछ भी प्रॉब्लम आई, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा उसी समय, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना कि कैंसिल ना हो, सारे डॉक्यूमेंट जितने भी हो सब ओरिजिनल हो। फिफ्थ पॉइंट कह रहा है, अगर कुछ भी कास्ट में कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम आई ना, तो क्या होगा कि अब आपको जनरल की तरह ट्रीट करेंगे नेक्स्ट राउंड में। मान लो पहले राउंड में मैं ओबीसी हूँ, मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट में दिक्कत आ गई और मेरा राउंड में पहले राउंड में ही नंबर आ गया किसी कॉलेज में, एनएसआईटी में मेरा कंप्यूटर साइंस में पहले राउंड में नंबर आ गया, लेकिन मेरे डॉक्यूमेंट सही नहीं थे ओबीसी के, जिस वजह से मुझे अगले राउंड में मुझे धकेल देंगे और अगले राउंड में मुझे जनरल की तरह ट्रीट करेंगे, ओबीसी में मैं नहीं रहूँगा, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। फिफ्थ कह रहा है, अगर किसी भी कारण बस आपका जो है आपका एडमिशन कैंसिल हो जाए, आपका पहले राउंड में नंबर आ गया, डॉक्यूमेंट के चक्कर में आपका एडमिशन कैंसिल हो जाए, या फिर आपने ही एडमिशन नहीं लिया पहले पे फीस दे करके, तो दिक्कत लेने की जरूरत नहीं, आपकी फीस 10 दिनों में वापस हो जाएगी, जो कि 1,12,000 रुपये होगी, ठीक है, 10 दिनों में पूरी फीस वापस हो जाएगी, ठीक है। अब मेन पॉइंट पे बात करते हैं, जो आपको ये दिख रहा है फ्रीज फ्लोट। फ्रीज का मतलब क्या होता है, फ्लोट का मतलब क्या होता है, ये दोनों ही पॉइंट है जो बहुत ही लोगों को जानना जरूरी है, बच्चों को नहीं पता होते हैं और गलती कर देते हैं। वो सबसे पहले हम फ्रीज की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरा एनएसआईटी में नंबर आ चुका है सीएसई में पहले राउंड में ही, और मैं पहले से ही चाहता था कि मेरा एनएसआईटी या फिर किसी भी टॉप कॉलेज में सीएसई मिल जाए, जो कि सीएसई टॉप ब्रांच होती है, तो मुझे पहले ही अपनी मनपसंद ब्रांच मिल गई है पहले राउंड में ही, तो मैं आगे क्यों खेलूँ, मतलब मैं आगे क्यों राउंड में जाऊँ। अगर अपग्रेड हो जाएगा तो मुझे शायद ईसी मिल जाती सेकंड राउंड में, और मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो पहले राउंड वाला सीएसई चाहिए, तो मैं उससे खुश हूँ, तो मैं क्या करूँगा, उस सीट को रिजर्व करवा लूँगा अपने लिए, और मुझे आगे राउंड नहीं खेलना है, मुझे आगे राउंड में नहीं बैठना है, तो मेरे राउंड में जो सीएसई है वो मेरे लिए फिक्स हो चुका है, तो मैं अब उसको फ्रीज कर दूंगा और मैं अब आगे राउंड में नहीं बैठूंगा, तो उसको बोलते हैं फ्रीज। फ्रीज का मतलब होता है जब आपको कोई भी आपकी मनपसंद मिल चुकी है पहले या दूसरे तीसरे जो भी राउंड में, और आप आगे नहीं बैठना चाहते हो, तो आप सीधे फ्रीज कर दो और वो सीट आपके लिए रिजर्व हो जाएगी। ओके, वो ब्रांच आपके लिए रिजर्व हो जाएगा उस कॉलेज में, इसका मतलब होता है फ्रीज। अब फ्लोट का मतलब क्या होता है, फ्लोट का मतलब होता है भाई पहले राउंड में मुझे अच्छी ब्रांच नहीं मिली, फॉर एग्जांपल मुझे सीएसई चाहिए थी, ईसी मिली पहले राउंड में, अब मैं आगे वाले राउंड में बैठूंगा सीएसई का इंतजार करता रहूंगा, जब तक मुझे मेरी मनपसंद की सीट नहीं मिलती जाएगी, मैं राउंड पे राउंड मैं अगले राउंड फिर अगले राउंड पे चलता जाऊँगा जब तक मुझे नहीं मिल जाती। और अगर मुझे दिख गया कि इस भाई मेरे को मैक्सिमम हर 7वें राउंड तक मुझे सिर्फ ईसी ही मिल सकती है, तो मैं 7वें राउंड तक ट्राई करूँगा और राउंड ख़त्म हो जाएंगे, 7वां राउंड जैसे कि 7वां राउंड मुझे ख़त्म हो गया, तब तक मुझे पता चल गया भाई नहीं मिलने वाली, तो फिर मैं 7वें राउंड वाला रिजर्व करवा लूँगा, भाई अब मेरे को यही मिल सकती है, ईसी नहीं मिल पा रही कट ऑफ के हिसाब से। तो फ्लोट का मतलब ये होता है, आप आगे बढ़ते जा रहे हो जब तक आपको अच्छी अपनी मनपसंद ब्रांच नहीं मिलती जा रही है। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जैसे कि भाई उनका पहले से लेकर 6 राउंड तक बीच में नंबर ही नहीं आ रहा, सीधे 7वें राउंड तक नंबर आ रहा है, तो उसमें फ्लोट और फ्रीज का कोई सीन नहीं है, सीधे उनको एडमिशन लेना है, क्योंकि वो लास्ट राउंड है, क्योंकि उनको सीधे जाके एडमिशन लेना, उनके लिए सीधे फ्रीज का ऑप्शन है, फ्लोट का ऑप्शन नहीं है, जिनका सीधे लास्ट में नंबर आता है, पहले से लेके जितने भी राउंड होते हैं, पहले से लेके जो भी राउंड है ना, उनमें कभी भी नंबर नहीं है, सीधे लास्ट में नंबर आया, तो सीधे अब एडमिशन लेना उन्हें, ठीक है।
तो ये मतलब होता है फ्लोट और फ्रीज का मतलब। अब पहली जो काउंसलिंग होने वाली फर्स्ट राउंड की, वो आपकी होने वाली 20th October, आपका रिजल्ट आएगा। उससे पहले आपकी काउंसलिंग जो है प्रोसीजर आपका होगा और आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। तो चॉइस फिलिंग करनी कैसे है ये चीज़ें भी जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, इसका तो काम हो ही गया, इसमें तो अब इसका इन दोनों पेज का कोई काम है नहीं, ओके। हमारे लिए जो नया पेज है जो हमारे काम आएगा वो होगा कितनी नंबर ऑफ सीट्स कॉलेज में है, किस कॉलेज में, ओके। इसका काम, ये तो पेज का हमारा काम आने वाला है, ओके। तो गाइज ये टोटल ब्रांचेस अवेलेबल हैं कॉलेजेस में, सो देख सकते हो DTU में ये ब्रांचेस अवेलेबल हैं जो काउंसलिंग में बैठना है हमें। आपका इंदिरा गांधी में जो लड़कियों का कॉलेज होता है, इंदिरा गांधी पूरा वुमेंस कॉलेज होता है, तो वुमेंस लोग इस पे ध्यान दें। और IIIT दिल्ली में ये ब्रांचेस अवेलेबल है। NSIT में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होने वाला है। NSIT में बहुत सारे बच्चे होते हैं और बहुत सारे जो ईस्ट कैंपस ऑफ कैंपस आ चुके हैं उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। बता दूँ कि NSIT का मेन कैंपस ही अच्छा है, उसके अलावा जो ईस्ट जो वेस्ट कैंपस है वो अच्छे नहीं है, तो उस चीज़ पर ध्यान ना दें, वो आपके सिर्फ लास्ट ऑप्शन पर रखें। ईस्ट और वेस्ट आपने जो है लास्ट कैंपस पे रखें, लास्ट ऑप्शन पे, ठीक है। अब उसके बाद एक नया कॉलेज जुड़ा है जो कि जैक दिल्ली में, पहले चार ही होते थे, अब पांच हो चुके हैं। जो पांचवा है वो है आपका दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी। ये आपका जीवी पंत है, जीवी पंत और IIIT दोनों सट के हैं, और ये जो दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी है IIIT दिल्ली दोनों सट के हैं, ठीक है। तो ये दोनों, ये नया कॉलेज ऐड हुआ है दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी, ओके। तो इसको भी अपने लास्ट ऑप्शन पे ही रखें, दिल्ली स्किल जो एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी इसको भी लास्ट स्केल पर रखें, क्योंकि जीवी पंत इतना अच्छा नहीं है यार, पॉलिटेक्निक करवाता है लेकिन प्लेसमेंट के मामले में IIIT दिल्ली NSIT DTU के बराबर का बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इसको भी लास्ट ऑप्शन पर रखें, ठीक है। अब हम भरत पढ़ते हैं आगे की ओर। सबसे पहले प्रेफरेंस भरनी कैसे, सबसे पहले प्रेफरेंस भरनी है यार, सबसे पहले लेके चलते हैं आप तीनों में से, NSIT DTU IIIT दिल्ली और IGDTU, इन तीनों में से, इन चारों में से लेके चलते हैं, या चारों ही एक दूसरे की टक्कर क्या है। अगर कंपैरिजन करें तो NSIT की कंप्यूटर साइंस ज़्यादा अच्छी है DTU से, क्योंकि DTU में नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट ज़्यादा है और कंपटीशन भी ज़्यादा होगा प्लेसमेंट के टाइम पे, ठीक है ना। प्लेसमेंट के टाइम पे कंपटीशन ज़्यादा होगा और NSIT में इतने बच्चे नहीं है कंप्यूटर साइंस के, तो प्लेसमेंट के टाइम पे कंपटीशन थोड़ा सा कम होगा। तो मैं सबसे पहले NSIT की CS लेके चल रहा हूँ, NSIT मेन कैंपस, ये ध्यान से देखना भाई, मेन कैंपस CSE, ये मेरा पहला प्रेफरेंस। जब भी मैं काउंसलिंग में बैठूँ मेरा पहला प्रेफरेंस NSIT की CS होगा। दूसरे पे मैं IIIT दिल्ली की CSE होगा, ठीक है। थर्ड पे मेरा DTU CSE होगा, और फोर्थ पे मेरा IGDTEWCSE। तो यार IGDTU तो पूरा वुमेंस के लिए, तो वुमेंस लोग जो भी हैं वो अपना ध्यान दें कि अगर उनको वो IGDTU चाहिए तो वो अपना वहाँ पे प्रेफरेंस अपने हिसाब से भर ले, उस हिसाब से वो अपना CSE वहाँ पे डाल ले, ठीक है। अब ये तो हमने CSE डाल दिया सारे ब्रांचों का। अब सब जानते हैं कि DTU में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आपका DTU में सॉफ्टवेयर इंजीनियर अवेलेबल है कंप्यूटर के ब्रांच में। आपका कौन कौन सा अवेलेबल है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कंप्यूटर साइंस है, बस ये दोनों कंप्यूटर के रिगार्डिंग है। और आपका IIIT दिल्ली में एक्स्ट्रा ब्रांचेस है। क्या होता है कुछ बच्चों को IIIT दिल्ली में बाकी कॉलेज में, जैसे कि मुझे NSIT में कंप्यूटर साइंस नहीं मिला, EC मिल रहा है। अगर मुझे NSIT में EC मिल रहा है ना, मुझे IIIT दिल्ली में CSB या फिर CSS मिल जाएगा। और मुझे अगर कंप्यूटर में आगे बढ़ना है तो मैं CSB प्रेफर करूँगा NSIT के ECE के रिगार्डिंग, ओके। तो इस चीज़ का ध्यान होना। तो ये हो गया पहले तो मेरे मेन ब्रांच NSIT सबके CS, ठीक है। अब आके चलते हैं पांचवे पे, मैं भरूंगा DTU का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है, ध्यान रखना। अब छठे पे मैं भरूंगा IIIT दिल्ली का CSAI भी बहुत अच्छी ब्रांच है। सातवें पे मैं भरूंगा, पहले मैं सारे प्लेसमेंट वाइज, जो प्लेसमेंट में सबसे ज़्यादा पैकेज जिस कॉलेज के, जिस ब्रांच के लगते हैं, उसको मैं सबसे पहले रख रहा हूँ, उस हिसाब से मैं प्रेफरेंस भर रहा हूँ, तो ध्यान रखना। सातवें में मैं भरूँगा IIIT दिल्ली के CSM को, और फिर आठवें में भरूँगा NSIT के CSM को, नौवे पे मैं भरूंगा फिर से, मैं आ जाऊंगा IIIT दिल्ली का हमारा ये हो गया, NSIT का हमारा CSM हो गया,
अगर मैं मेन कैंपस NSIT देख लेता हूँ कौन कौन से ब्रांच है, CSM और IC इलेक्ट्रॉनिक क्रिकेट, बस यही है यार। अगर अगर आपका CS इसमें दिखा नहीं रहा, एग्जैक्टली पता नहीं चला, अगर NSIT में आपका CS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो NSIT में CSAI भी बहुत अच्छी ब्रांच है, इसको भी ले सकते हैं। 10वें पे मैं भरूँगा फिर से IIIT दिल्ली का CS हो गया, MBA हो गया, CSAI हो गया IIIT दिल्ली का, ठीक है। अब यहाँ पे आता CSM हो गया, CSAI हो गया, CSS और IIIT दिल्ली का CSB, ठीक है। ये 11वें पे रेफरेंस होगी। अब 12वें पे मैं अब सारे ECE को कवर करूँगा। सबसे पहले मैं NSIT का ECE लेता हूँ, ECE। 13वें पे मैं लेता हूँ DTU का ECE। 14 पे मैं लेता हूँ IIIT दिल्ली का ECE। तो ये तो हमारे टॉप के जो ब्रांचेस होते हैं मैंने कवर कर लिए, ठीक है। उसमें से मैंने IIIT दिल्ली के सारे ब्रांच हो गए कवर, है ना। IIIT दिल्ली के सारे ब्रांच ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं, CSE, CSM, CSD, CSD रह गया यार, ठीक है। CSD जो है आपका, यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। CSD जो आपका है वो 12वें पे आता है, 12वें पे आता है IIIT दिल्ली का CSD, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया गाइस, तो देख लेना। यहाँ से फिर से कर देता, ठीक है। अब इसको भी मिटाई देते हैं यार, ये थोड़ा सा हो रहा है, ठीक है। अब CSA NSIT हो गया था हमारा 9वें नंबर का। अब हम 10वें पे आते हैं, इसको हटाते हैं, 10वें पे यहाँ से लिखते हैं 10वां NSIT का CSI, IIIT दिल्ली का CSM, DTU का फिर से IIIT दिल्ली का CSD, बहुत अच्छी ब्रांच है। 11वें पे IIIT दिल्ली का CSM भी हो गया था, CSS। 12वें पे ले लेते हैं IIIT दिल्ली का CSB, ठीक है। अब उसके बाद हम सारे कवर करते हैं 13वां, क्या नाम है, NSIT ECE। 14 पे मैं कवर करता हूँ DTU ECE। 15वां में मैं करता हूँ, क्या नाम है, IIIT दिल्ली का ECE। अब यार जो इसमें जो गर्ल्स स्टूडेंट है IGDTU की, जो सोच रही है IGDTU लूँ, अगर उनका पहले से IGDTU मन है तो इसी बीच में जो टॉप के जो ब्रांचेस, इसी बीच में अपने आप को एडजस्ट कर ले। जैसे कि मैंने बताया ECE से ऊपर सारे ECE जो IGDTU वाले कंप्यूटर साइंस को अपने भर दे ECE से ऊपर, और वहीं अपने NSETU के जितने भी हैं ECE मिल रहा है तो उनको CSD CSS से ऊपर ECE रख दें, जो IGDTU वाली लड़कियाँ हैं, ठीक है। अपने टॉप ब्रांच में ECE रख, CS रखे, उसके बाद ECE रखे, और उसके बाद जो नीचे अच्छे अच्छे ब्रांचेस हैं धीरे धीरे अपने आप के प्लेसमेंट वाइज घटाएं ब्रांच को, ठीक है। ये हो गया ECE। अब उसके बाद जो आता है इसको मैं नीचे कर लेता हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब एक बार बड़ा कर लेते हैं कौन कौन सा बढ़िया हमारा। अब आते हैं, ये हो गया ECE, हो गया इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी ब्रांच है। ECE हमने सारे कवर कर लिए, ठीक है। तो यार मैं NSIT को ही लेके चल रहा हूँ, तीन कॉलेज को ही, क्यों नहीं ले रहा हूँ ईस्ट कैंपस वेस्ट कैंपस, यार उनकी कोई रिकॉग्निशन नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। और डी जो दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है यार, इतना ज़्यादा प्लेसमेंट वाइज अच्छा नहीं है। ओके, तो प्लेसमेंट देख के चलते हैं, प्लेसमेंट देख के ही हम प्रेफरेंस भर रहे हैं। ओके, अब 16वें पे हम आते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। IIIT दिल्ली में इलेक्ट्रिकल है नहीं, और IIIT दिल्ली के हमने मोस्टली सारे ब्रांच कवर कर चुके हैं पहले, ठीक है। तो हम पहले NSIT के इलेक्ट्रिकल भर लेते हैं, इलेक्ट्रिक। 17वें पे DTU का इलेक्ट्रिकल, क्योंकि हमने सारे ECE कवर कर लिए, और हम इलेक्ट्रिकल को प्रेफरेंस क्यों दे रहे हैं CSE से ऊपर, जो कि दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी है, क्योंकि या NSIT ये सब क्या है कि इन पे कोर ब्रांचेस बहुत सारा आती है, बहुत सारी कंपनीज आएंगी। तो आप जरूरी नहीं है आप इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं, आप समझो कि सब कुछ पढ़ रहे हैं, आप
कोर ब्रांचेस के प्लेसमेंट में भी बैठ सकते हैं अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है। अगर आप सीएससी के बारे में जानते हैं तो आप कोर कंपनी के लिए भी बैठ सकते हैं। अगर मैं मैकेनिकल का हूँ तो ऐसा जरूरी नहीं मेरी मैकेनिकल में ही जॉब लगेगी, तो मैं कंप्यूटर साइंस की कंपनी के तौर पर भी जॉब ले सकता हूँ, बस मुझे नॉलेज होनी चाहिए। और उसमें एक फ़ायदा हमारे लिए ये है, ये टॉप 3 कॉलेज में कंपनीज आएंगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिकल का बच्चा उसमें प्लेसमेंट नहीं ले सकता, ले सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान देना, ठीक है। मैं इसको नीचे ले आता हूँ। तो यहाँ तक तो हमारी प्लेसमेंट भर चुकी है। एक बार DTU को देख लेता हूँ, हमने क्या क्या कवर कर लिया यार। हमने सिविल इंजीनियरिंग कंप्यूटर कर लिया, ECE कर लिया, इलेक्ट्रिकल कर लिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भरना भूल गया, सॉरी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ध्यान नहीं दिया। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यार मैं बताता हूँ कहाँ पे फिल करना है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को CSE के बाद फिल करना है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी ब्रांच होती है यार। इसको DTU के सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बाद रखें, क्योंकि सिर्फ इसी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दो ही कॉलेज में है आपका। NSIT को पहले प्रेफरेंस देते हैं, IT, और उसके बाद तेरा PTU IT, ठीक है। तो DTU के सॉफ्टवेयर इंजीनियर के ऊपर हमारा NSIT IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर DTU IT, उसके बाद आपका DTU सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। सेम टू सेम नीचे चलते जाएगा। IGDTU सेम है यार, अपना IGDTU अपने गर्ल्स की जो पहले से मन बना रहे हैं, लड़के तो ले नहीं सकते, लड़कियाँ ही ले सकती हैं, तो फिर अपने हिसाब से टॉप पे जो CSE, उसके बाद IT, फिर सॉफ्टवेयर, ECE, फिर इलेक्ट्रिकल, फिर मैकेनिकल, ऐसे प्रेफरेंस बढ़ते जाए, ठीक है। अब ये हो गया हमारा CSM मैंने भर दिया था पहले, IT भी हो गया हमारा, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल भी हमारा हो ही गया, ठीक है। 18वें पे हमारा इलेक्ट्रिकल भी दोनों कॉलेज का हो गया है, क्योंकि इन्हीं कॉलेज में इलेक्ट्रिकल है बस। हमारा ECE टॉप के सारे ब्रांचेस हमने को मैकेनिकल बच रहा है। तो यार मैकेनिकल में दो बच्चे बहुत फ़र्क पड़ते हैं, मैकेनिकल में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी मिले, NSIT की लूँ कि DTU। तो यार बता दूँ कि NSIT की जो मैकेनिकल है वो सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहाँ कंपनीज थोड़ी कम विजिट करती है, और उसी हिसाब से DTU की मैकेनिकल थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है प्लेसमेंट वाइज, ठीक है। तो DTU की मैकेनिकल हम ऊपर डाल रहे हैं, मैकेनिकल हम ऊपर कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू NSIT की मैकेनिकल से। ठीक है, और जिस बच्चों को लग रहा है मेरी अच्छी है 1.5-2 लाख तक कट ऑफ आई मतलब रैंक है, और मेरा लग रहा है उसको कि किसी भी कॉलेज में NSIT DTU IIIT दिल्ली के कॉलेज में एडमिशन हो जाए, तो प्लीज़ उसी को प्रेफर करें, उन्हीं 3 कॉलेज को प्रेफर करें, बाकी मेन कैंपस वेस्ट कैंपस में ना जाए यार, वो इतने अच्छे नहीं है, ठीक है। सबसे ये हो गया हमारे मेन मैकेनिकल कवर कर लिया हमने। अब DTU में जो कि मेन ब्रांच थी हमने सारी कवर कर ली है। DTU में हमारा अब एक हाँ, NSIT में इसके बाद हम आते हैं NSIT के IC इंस्ट्रूमेंटल कंट्रोल, NSIT के इंस्ट्रूमेंटल कंट्रोल इंजीनियरिंग पे कवर करते हैं 20वें नंबर पे, ठीक है। 21वें नंबर पे हम अब अगर यहाँ पे NSIT में है सब ब्रांच को, NSIT में ऑटोमेटिव मैकेनिकल ऑटोमेटिव नाम से कोई ब्रांच होगी तो वो ले लेना है, ठीक है। अब DTU में हमारा मैकेनिकल ऑटोमेटिव नाम से एक ब्रांच है, ठीक है। DTU में हमारा मैकेनिकल ऑटोमेटिव नाम से एक ब्रांच है, वो हम 21वें प्रेफर करते हैं। 22 पे हम NSIT में अगर मैकेनिकल ऑटोमेटिव नाम से मैकेनिकल ऑटोमेटिव ब्रांच है तो उसको हम 22वें पे NSIT के प्रेफर करते हैं, ओके। तो मोस्टली मैंने शायद अच्छे अच्छे ब्रांच कवर कर ली है। अब इसके बाद अपने आप को नीचे गिरते जाना। अब आता है सिविल, DTU की सिविल रख लेते हैं या फिर NSIT की सिविल, सिविल इंजीनियरिंग 24 पे NSIT की सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। ये हो गया हमारा, अब हमारे जो ब्रांचेस बचे हैं हमने मोस्टली सब कवर कर लिए। कंप्यूटिंग हो गया, मैथमेटिक कंप्यूटिंग हो गया, मैकेनिकल हो गया हमारा, मैकेनिकल एंड स्पेशल ऑटोमेटिक हो गया है, इन्वायरमेंट को लास्ट में रखना है, ECE हो गया है, इलेक्ट्रिकल हो गया है, सिविल हो गया है ना, केमिकल इंजीनियरिंग। अब सिविल के बाद केमिकल इंजीनियरिंग 24-25 पे DTU
केमिकल इंजीनियरिंग, 26 पे अगर एनएसआईटी में है तो केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल ठीक है, एनएसआईटी की केमिकल भी हमने कवर कर ली है और आईसी जो कि इंस्ट्रूमेंटल कंट्रोल वो भी हमने कवर कर ली है। अब हमारा बच रहा है, हमारा क्या बच रहा है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, फिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, अब ले लेते हैं, हाँ अब ले लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी ठीक है। अब दूसरी बात, यार यहाँ तक तो ठीक है, अब बायोटेक्नोलॉजी थोड़ी सी अलग हो जाती है और आपकी इंजीनियरिंग फिजिक्स थोड़ी सी अलग हो जाती है। अब जिसको लग रहा है कि मुझे इनमें से इन तीनों कॉलेज में कोई ब्रांच मिल जाएगी तो बढ़िया है, लेकिन अब कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको इनमें से भी कोई ब्रांच नहीं मिल रही है तो क्या करें, तो अब में वो अपने ईस्ट कैंपस और वेस्ट कैंपस को प्रेफर करें ठीक है। अब 27वें पे वो जो ईस्ट कैंपस है एनएसआईटी ईस्ट कैंपस, सच बताऊं तो यार उन दोनों कॉलेज की इतनी ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसकी ब्रांच अच्छी है, जो ब्रांच है वो सीरियस है, अगर आप पढ़ लेते हो तो ऑफ कैंपस भी आप प्लेसमेंट ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट नहीं लगती, पढ़ लेते हो अपने खुद के दम पे अच्छा सा तो ऑफ कैंपस भी प्लेसमेंट ले सकते हो, क्योंकि ब्रांच तो इंपॉर्टेंट है ही। अब केमिकल आप मिल रही है एनएसआईटी डीटीयू में और आपको सीएस मिल रही है उसमें, तो आप क्या प्रेफर करोगे, तो कॉलेज का तो डिपेंड, कॉलेज पर फर्क पड़ता है यार, कॉलेज में बहुत फर्क पड़ता है ठीक है। मैंने बताया कि केमिकल है लेकिन आप पढ़ हो रहे हो तो भी आपकी प्लेसमेंट लगेगी, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपके पेपर निकल जाने चाहिए सारे ठीक है। अब उसके बाद ईस्ट कैंपस में सीएसई ठीक है, वैसी एनएसआईटी ईस्ट कैंपस और वेस्ट कैंपस, वेस्ट कैंपस में सीएसई, वैसे ही फिर से घटाते थे अपने अपने प्रेफरेंस को, फिर से एनएसआईटी ईस्ट कैंपस सीएसई, एनएसआईटी वेस्ट कैंपस सीएसई, उसके बाद दोनों में ही सेम ऊपर नीचे आप अपना आईटी होगा तो आईटी ले ले, है ना, दोनों में ही आईटी है तो आईटी ले ले ठीक है। उसके बाद फिर से ईसी है तो ईसी देख ले, ईसी ठीक है, फिर नीचे जाते जाए अपने अपने अपने, सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर ईसी के ऊपर है, तो यही है यार ब्रांच की प्रेफरेंस। यार इतने में तो सबका हो ही जाता है एडमिशन मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर मैं तो चाहता हूँ कि आपका नंबर ना ही आए इतने नीचे, क्योंकि तीनों हमारा जो ईस्ट कैंपस, वेस्ट कैंपस और दिल्ली टेक्निकल, दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी, इंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी, ये ज़्यादा अच्छे नहीं है, इनकी कोई नाम नहीं है, इनमें प्लेसमेंट इतनी अच्छी नहीं है एज़ कम्पेयर टू एनएसआईटी डीटीयू और ट्रिपल आईटी दिल्ली के और आईजीडीटीयू के। ओके ये हो गया हमारा, फिर आप दिल्ली स्किल स्किल इंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी में सीएसई ले सकते हैं, सीएसई, फिर इसी में ही आईटी और इसी में ही नीचे जाते हैं अपने फिर से सबसे। तो गाइज ये है प्रेफरेंस की शेड्यूल, कैसे आपको प्रेफरेंस करनी है, और दूसरी बात हर जो भी मतलब आपने पहला प्रेफरेंस भरा, पहले कट ऑफ के हिसाब से, पहले मतलब पहले राउंड के हिसाब से अपनी प्रेफरेंस भर दी और आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं अगले राउंड के लिए, वैसे थर्ड राउंड में भी चेंज कर सकते हैं, फोर्थ राउंड में भी चेंज कर सकते हैं, ऐसे राउंड में हर राउंड में आप अपनी प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हैं, तो चीज़ों का ध्यान रखना कैसे प्रेफरेंस को चेंज करना है, तो शायद यही आपको मतलब यही है यार कैसे चेंज, कैसे लेके चलना है अपनी प्रेफरेंस को ठीक है। और कुछ बच्चे ना ट्रिपल आईटी दिल्ली को प्रेफर नहीं करते क्योंकि फीस के चक्कर में, तो यार ऐसा नहीं है, ट्रिपल आईटी दिल्ली में फीस तो है लेकिन वो फीस वापस आ जाती है स्कॉलरशिप के चक्कर में, स्कॉलरशिप आपको पूरी मिलती है, 50% मिलती है, 25% मिलती है और ट्रिपल आईटी दिल्ली खुद भी स्कॉलरशिप देता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, स्कॉलरशिप मिल जाएगी, उससे पहले बस यही है कि आपको पहले साल की फीस भरनी पड़ेगी जो ज़्यादा कॉस्टली होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप फीस पे कर दो, दिल्ली गवर्नमेंट भी स्कॉलरशिप दे रही है, ट्रिपल आई टी भी दे रही है, तो आपको फीस वापस मिल जाएगी ठीक है। जो गरीब बच्चे हैं जिनकी फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो दिक्कत ना ले यार, फीस वापस मिल जाएगी और बैंक भी लोन दे देते हैं ठीक है। तो बस ये सोचो कि एडमिशन हो जाए, अच्छे कॉलेज है, एडमिशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने मिस कर दिया तो बहुत मुश्किल हो जाती है, और यार इसकी टक्कर, इन तीनों कॉलेज की टक्कर एनआईटी से होती है, टॉप के एनआईटी से, तो ऐसा ना करें, मिस ना करें, तो आप एक एज़ कम्पेयर टू आप सोचें कि एनएसआईटी टॉप एनआईटीज में ही जा रहे हैं, इन तीनों कॉलेज में एडमिशन लेकर के। ट्रिपल आईटी दिल्ली में मैंने एक वीडियो भी डाली है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट की, जो एक बच्चा बाहर से आया है और उसका उसने आईआईटी छोड़ करके ट्रिपल आईटी दिल्ली लिए कुछ एक रीज़न की वजह से, क्योंकि रिसर्च में ट्रिपल आईटी दिल्ली का बहुत बड़ा नाम है और ट्रिपल आईटी दिल्ली की जो पढ़ाई है बाकी आईटी वगैरह से बहुत डिफरेंट,
ओके, तो इस चीज को देख के चले, जो रिसर्च में जाना चाहते तो NIIT दिल्ली को प्रेफर करें। तो गाइज यही है ब्रांच की प्रेफरेंस कैसे आपको भरनी है, ठीक है। और जो मैंने पॉइंट बताया उस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है, और अपने डॉक्यूमेंट को पूरे रखना, डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ नहीं आनी चाहिए, बाकी तो सब ठीक है। और कोई भी किसी को भी दिक्कत है मुझे कमेंट करके बता सकता है कि भाई यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही, और किसी को और भी दिक्कत है यार, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जो कि आपसी का है, जिसमें कोई भी बच्चा आके एंट्री ले सकता है, ठीक है, पब्लिक पेज है, पब्लिक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आओ, और उसमें कोई भी आपको एडमिशन से काउंसलिंग से रिगार्डिंग किसी भी तरह की फॉर्म इंजीनियरिंग टाइप की प्रॉब्लम है तो आप मुझे उसमें मैसेज करो, और उसमें मैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे पोजिशन अच्छे कॉलेज में, वो आपकी मदद करेंगे और हर कोशिश करेंगे कि आपकी हेल्प हो जाए। ओके, तो ध्यान रखना। ओके, सो प्लीज़ अगर वीडियो सही लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, और मिलते हैं फिर अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में, फिर से एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके गाइस, तो बाय।